गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 डेटेड अंडरस्टूड एट द सितंबर 2020. टॉपिक यानी कि सम दे रखे हैं फैक्टर्स. फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ यानी कि जो आपके डबल डिजिट 20 हैं इसके आप फैक्टर्स में कितने टुकड़े हो सकते हैं. यानी कि 20 जो हमारे पास संख्या है वो किस किस से डिवाइड हो सकती है. सो आपने देखा 1 से चलेंगे तो इसके अंदर 120 यानी कि 120. 2 की आप टेबल रीड करेंगे 2 10 जा 20 इसका मतलब 2 और 10 भी आते हैं. 3 में 20 नहीं आएगा. 4 में आप करते तो 4 5 जा 20 अंडरस्टूड है. 5 और 4 जा दोनों आ चुके हैं. 6 की टेबल करेंगे तो उसमें 20 नहीं आता. 7 में नहीं आता. 8 में नहीं आता. 9 में नहीं आता. 10 में आया वो हमने ऑलरेडी ले लिया. दूसरा सम है आपके पास 10 में वही बात 1 10 जा 10 हमने लिया. 2 से जब आप इसका फैक्टर करेंगे 2 5 जा 10. 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 10 नहीं आएगा. 4 की टेबल में 10 नहीं आएगा. 5 की टेबल में 10 आएगा जो हम कर चुके हैं. 6 की टेबल में 10 नहीं आएगा. 13 ये को प्राइम था ये प्राइम है. मीन्स 13 आपने देखा कि टेबल 2 में 13 नहीं आता. 3 की टेबल में 13 नहीं आता. 4 की टेबल में नहीं आता. 5 में नहीं आता. 130 जा 13 यानी कि 1 में और 13 में ही 13 आएगा. सम नंबर 4 और 5 डू हरसेल्फ और हिमसेल्फ इस प्रकार फैक्टर आपने टुकड़े करके देख रहे हैं वो अपने आप करने क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. ज्ञान होना जरूरी है. अब बी भाग कहता है टिक यानी कि सही का निशान करना आर द फैक्टर जो 42 यानी कि जिसमें 42 आए. कोई भी आपका फैक्टर्स हैं जिसमें 42 आना चाहिए उसको आपने टिक करना है. 1 की जब आप टेबल करेंगे 42 आएगा. 2 की टेबल करेंगे 42 आएगा. 3 की टेबल में आप देखें 3 13 जा 39 3 14 जा 42 आता है. 4 की टेबल में चलेंगे आता है कि नहीं आता है देखो नहीं आएगा. 4 10 जा 40 और 4 11 जा 44 होता है नहीं आएगा. 5 की टेबल में नहीं आएगा. 6 अंडरस्टूड है. 6 में आप 6 6 1 जा 36 एंड 6 7 जा 42 आपने टिक करना है. 7 में भी 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा अंडरस्टूड है आपका 42. 8 में आपका नहीं आता. 9 का टेबल पढ़ेंगे नहीं आएगा. 10 का टेबल पढ़ेंगे नहीं आएगा. 11 के टेबल में नहीं आता. 11 3 3 जा 13 11 4 जा 44 12 में चलेंगे 12 2 जा 24 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 42 13 की टेबल में नहीं आएगा. 14 की टेबल 14 1 जा 14 14 2 जा 28 एंड 14 3 जा 42 50 तक आपको टेबल आनी चाहिए. 15 में नहीं आएगा. 20 में नहीं आएगा. 21 21 0 0 21 जा 1 एंड 22 जा 42 और अंडरस्टूड है 42 तो यहाँ नहीं रखा है. तो सो आंसर इज जो आपके टिक किए गए हैं उनको ध्यान से. आगे वाला पूछता इज द फर्स्ट नंबर. इज द फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर का मतलब पहली संख्या ये जो दे रखी है. ए फैक्टर ऑफ द सेकंड क्या वो दूसरी जो संख्या है ये पहली संख्या से भाग हो सकती है. यानी कि जब आप टेबल पढ़ेंगे तो क्या ये आ सकती है. तो उसको मैं आपने यस और नो आंसर में लिखना है. 6 की आप टेबल पढ़ेंगे उसमें 54 आएगा क्या. पढ़ते जाइए 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 एंड 6 8 जा 48 एंड 6 9 जा
54, इसका मतलब सेकंड फैक्टर 6 की टेबल में आता है आंसर, यस। आगे सेकंड क्वेश्चन है आपका 8, या 42 सेकंड जो आपका सेकंड जो आपका नंबर है वो फर्स्ट नंबर से हो रहा है डिवाइड देकर, 85 जा 40, 86 जा 48, नहीं आया तो आंसर आपने नो करना है। आप 9 के टेबल में 27 आएगा तो देखें 900, 91 जा 9, 92 जा 18, 93 जा 27 बिल्कुल आएगा। सेकंड जो आपका है इज द फर्स्ट नंबर फैक्टर ऑफ द सेकंड, बिल्कुल यस। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 25 नहीं आया, तो इस प्रकार आपने प्रैक्टिस करनी है। डी में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली स्थान है इसमें भरने होंगे। पूछा क्या उसने, 15 and 2, 15 और 2 आर ऑफ 30, क्या 15 से 30 डिवाइड हो सकता है, या 15 की टेबल में 30 आता है, यस। 2 की टेबल में 30 आता है, यस। तो सो 15 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ 30, दोनों ये डिवाइड कर सकते हैं 30 से 30 को। अगला कहता है 5 and ब्लैंक है आर फैक्टर्स ऑफ 5, तो आपने देखा 5 and 1 आर फैक्टर्स ऑफ 5, यानी कि 1 आप काउंटिंग करेंगे तो अंडरस्टूड है इस पे गया, तो दोनों फैक्टर्स हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 16, आपके पास 16 है, इसकी छोटी से छोटी कौन सी संख्या हो सकती है, तो छोटी से छोटी तो अंडरस्टूड है 1 ही है, तो आंसर इज 1, ये स्मॉलेस्ट 16 का छोटी से छोटी। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 54, सबसे बड़ा फैक्टर यानी कि 54 का क्या होगा, बड़ा फैक्टर तो अंडरस्टूड है, पहले नंबर आपका बड़ा दे रखा है तो अंडरस्टूड है 54 का 54 होगा। इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक का फैक्टर है, प्रत्येक के अंदर आती है, प्रत्येक से डिवाइड हो जाती है, प्रत्येक की मल्टीप्लाई हो जाती है, वो संख्या आपकी 1 है, तो थोड़ा आपने प्रैक्टिस करना है। विनाइस से आगे